तो बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूज फैक्टर थ्योरम, यानी कि आपको शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है। डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्या ये जो जी एक्स है ये इसका फैक्टर है, आपको ये बताना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जितने भी आपको क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसमें आपको ये बताना है कि जो जी ऑफ एक्स है क्या इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है। तो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो क्या करना है, देखो ये जो जी एक्स है, सॉरी फॉर दिस थोड़ा गला खराब है, ये जो जी एक्स है इसको बेटा जीरो के इक्वल पुट करते हैं। x प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x का इक्वल टू मिलेगा माइनस का वन, और उस माइनस वन को बेटा यहाँ पुट करेंगे। तो यदि ये पूरा पॉलीनोमियल वैल्यू पुट करने पर जीरो हो जाएगा तो उसका फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं हुआ कुछ रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब कि वो उसका फैक्टर नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट लेट पी ऑफ एक्स, हमने लेट कर लिया कि पी ऑफ एक्स कोई पॉलीनोमियल है बेटा, क्या है बोर्ड पर मैं उसको लिख रहा हूं, एंड रूट ऑफ जी ऑफ एक्स इज माइनस वन। इस जी ऑफ एक्स का रूट कैसे निकालोगे, जी ऑफ एक्स को जीरो इक्वल पुट करो, मतलब एक्स प्लस वन को जीरो इक्वल में पुट करोगे, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा माइनस वन। ये आपको फेयर वर्क में नहीं लेना, आप डायरेक्टली यहां पर माइनस वन लिख सकते हो, ठीक है। अब रूट जो है यहाँ से आया माइनस वन, सिंस आपको पता है बेटा कि पी ऑफ एक्स आपको गिवन है, कितना गिवन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन, ठीक है, विच इम्प्लाइज देयरफॉर करके आपको क्या करना है वैल्यू पुट करना है। तो पी ऑफ माइनस वन, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस वन का क्यूब बेटा प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस वन एंड माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन, माइनस माइनस होता है प्लस एंड माइनस वन, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 वो भी माइनस का 2, फिर 1 प्लस, फिर 2, फिर माइनस वन, इस 2 से माइनस 2 कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो आ रहा है 0। तो यहाँ पर बेटा 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो x प्लस वन है इसका वेक्टर है, ठीक है। हियर यहाँ पे लिख सकते हो बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर बाय रिमाइंडर थ्योरम, हियर पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। ये जो जी ऑफ एक्स है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, पी ऑफ एक्स का। हिंदी में क्या लिखोगे, यहाँ पी माइनस वन जीरो के बराबर है, इसलिए जी ऑफ एक्स जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, किसका गुणनखंड है, पी ऑफ एक्स का, ये हो गया, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, अगर हम उसके सॉल्यूशन करें तो उसमें भी आपको ये बताना है कि क्या ये जी एक्स जो है वो इस पी एक्स का फैक्टर है। तो कैसे पता करेंगे बेटा, इससे रूट निकालो, रूट आएगा माइनस टू, माइनस टू को यहाँ पर पुट कर दो एक्स की प्लेस पर, अगर ये जीरो हो जाता है तो ये इसका रूट है, अगर जीरो नहीं होता है तो इसका रूट नहीं है। तो सबसे पहले लेट ये माना कि क्या लिखोगे बेटा, पी ऑफ एक्स तो आपको पता है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तथा जी ऑफ एक्स बराबर कितना है x प्लस 2, पर आपको तो मूल चाहिए, तथा जी ऑफ एक्स का मूल माइनस 2 है, ठीक है। कैसे निकाला, इसको जीरो के इक्वल पुट करके निकाल सकते हो आप, तो ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तथा जी ऑफ एक्स का मूल कितना आया, माइनस 2 आया। तो सेंस बेटा पी ऑफ एक्स आपको गिवन है, कितना है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आपको माइनस 2 पुट करना है, किसकी प्लेस पर, इस x की प्लेस पर, क्या आ जाएगा माइनस 2, माइनस 2 का क्यूब बेटा 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, यानी कि जहां जहां पर ये x था वहां वहां बेटा हमने क्या रख दिया, माइनस का 2 रख दिया, तो 2 का क्यूब वो भी माइनस का, तो माइनस के 2 का क्यूब निकालेंगे बेटा, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4 टू द माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 टू द 6 और प्लस का 1, ठीक है।
माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन, प्लस प्लस वालों को ऐड करो और माइनस माइनस वालों को ऐड करो, तो 12 और 1 13 हुआ प्लस का, और ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन भी आएगा माइनस का, 8 और 6 14, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या बच रहा, माइनस का 1, तो ये पी ऑफ माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस पी ऑफ माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, Is that clear? तो बेटा यहाँ पर हमारा ये सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हम क्या करेंगे, लेट माना कि P of X, पॉलीनोमियल को सबसे पहले लेट कर लेंगे बेटा, हम कर लिया यहाँ पर, एंड रूट ऑफ G of X विल बी क्या होगा बेटा, प्लस 3 होगा। कैसे बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ, 0 के इक्वल पुट करके निकाल सकते हो, और ये कोई आपका इसका पार्ट नहीं है, सीधे आपको वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। अब सिंस आप लिख सकते हो पी ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, देयरफॉर इसलिए विच इम्प्लाइज लगा सकते हो आप यहाँ पर, पी एक्स की प्लेस पर बेटा रिप्लेस करना है आपको 3 को, क्योंकि आपका रूट आया है 3, तो 3 का क्यू माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 बेटा, 3 का क्यू होगा 27, के सर कैसे 3 3 9 होता, तो ऐसा नहीं है, 3 की पावर 3, इट मीन्स दैट 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 3 का स्क्वायर करोगे 3 इंटू 3 3 3 जा 9, 9 फोर जा 36 प्लस 3 प्लस 6 9, 8 का तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36 माइनस 36, 27 प्लस का 9 प्लस का 8 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो 36 आया, 36 माइनस ये हो गया बेटा 0, तो यहाँ पर P3 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब कि जी एक्स जो है इस पी एक्स का क्या है, फैक्टर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हियर P3 इज इक्विवेलेंट टू 0, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, अतः जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है बेटा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो बेटा आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल DBK मैथ क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।